अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? आज हम अपना जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसका टॉपिक कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो है हमारे तीन बड़े साइंटिस्ट जो है उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में अल बेरूनी को। अल बेरूनी जो है वो 973 में पैदा हुए हैं और 1048 में उनकी डेथ हुई है। स्टूडेंट्स आपने इसको याद रखना है, एज एमसीक्यू ये डेट आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। अल बेरूनी जो है वो एक फिजिशियन भी हैं, एस्ट्रोनॉमर भी हैं, मैथमेटिशियन भी हैं, फिजिस्ट भी हैं और ज्योग्राफर भी हैं। मतलब कि वो टाइम था कि तब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि एक बंदा जो है वो एक फील्ड को स्पेसिफिकली ही स्टडी करेगा। वो लोग इतने जीनियस थे कि उन्होंने एक साथ इतनी सारी जो साइंस की फील्ड्स हैं उसको कवर किया और उसमें इस तरह के काम किए हैं, इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो साइंस की फील्ड में दी हैं कि एट द सेम टाइम मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी और ज्योग्राफी वो सबको डील कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपने लिखना है कि वो एक फिजिशियन भी है, एस्ट्रोनॉमर भी है, मैथमेटिशियन भी है, फिजिस्ट भी है और ज्योग्राफर भी है। अब अगर हम उनके कामों की तरफ आएं तो उन्होंने भी कहा था कि जो लाइट है वो ट्रेवल फास्टर देन साउंड, यानी कि रोशनी की रफ्तार आवाज की रफ्तार से ज्यादा है। और ये तो बहुत जो है उस टाइम पे पहली दफा किसी ने ये ऑब्जर्वेशन की थी और आज तो ये ऑब्जर्वेशन हम खुद भी देखते हैं कि जब बादल गरजते हैं तो हमें लाइट पहले नजर आ जाती है और आवाज बहुत बाद में आती है। तो वो जो एक इतना इंटरवल होता है कि वो बिल्कुल नोटिस किया जा सकता है, स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट में इतना डिफरेंस है। तो आपने सबसे पहले ये बात कही थी कि जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है साउंड की स्पीड से। उसके अलावा रेडियस ऑफ अर्थ आपने मेजर किया बहुत, ये जो काम है उनका अर्थ का रेडियस मेजर करना पिंड दादन खान के एक छोटे से टीले पर बैठकर आपने इतना एक्यूरेटली इसको मेजर किया। आपने कहा कि अर्थ का रेडियस जो है वो 6338 किलोमीटर है और बाद में जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई और उसको मेजर किया गया तो सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर का डिफरेंस आया था। एक बंदा जो कि एक बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ कैलकुलेशंस की बेस पे उसको मेजर कर रहा है। रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि रेडियस किसको कहते हैं। यहाँ पे मैं छोटी से अर्थ ड्रॉ करती हूँ स्टूडेंट्स, ये देखें ये है अर्थ। अगर मैं इसको के दो पार्ट करूं तो इसको बोलते हैं इसका डायामीटर, या उर्दू में हम इसको कहते हैं मुहीत। और अगर मैं डायामीटर के भी दो पार्ट करूं तो इसको बोलते हैं रेडियस या रदास, रेडियस या रदास। तो आपने ये मेजर किया था कि अर्थ का जो रेडियस है वो ये है और बाद में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब आई तो आपने की कैलकुलेशन में से सिर्फ 15 का डिफरेंस आया। बहुत कहते हैं कि इतना यूनिक काम है ये और वो इतने ब्रिलियंट थे कि ये इंसानी अकल मानने को तैयार नहीं होती कि एक बंदा सिर्फ एक छोटे से टीले पर बैठ के इतना एक्यूरेटली कैसे बता सकता है। तब तक तो स्टूडेंट सारे कॉन्टिनेंट्स का भी नहीं पता था लोगों को कि यहाँ से इतनी दूर ये एक कॉन्टिनेंट है, ये इतनी जो है ओशंस की जो है मेजरमेंट्स नहीं हुई थी अभी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको वो जगह का नाम भी याद होना चाहिए कि पिंड दादन खान वो जगह है, छोटा सा कस्बा है जहाँ पे आपने काम किया था। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने कहा था कि जो इंडस वैली है, यानी कि जो वादी सिंध है, आज जो हम इंडस वैली देखते हैं वादी सिंध, वहां कभी कभी समंदर गुजरा करता था वहां से, या कहें कि वहां से कभी समंदर की गुजरगाह थी। आहिस्ता 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 जो है वो अपने रास्ते से हटा गया और वहां पे इंडस वैली बन गई। तो उन्होंने ये जो की थी, यानी कि ये थ्योरी दी थी, बाद की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बाद जब इसको पढ़ा गया बकायदा सारा, पुराने पास्ट में हम जाएं तो ज्योग्राफर्स ने देखा कि क्या पुराने रूट्स क्या थे दरियाओं के और समंदरों के, तो ये बात पता चली कि बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, इंडस वैली पे पहले कभी पानी गुजरा करता था, आहिस्ता आहिस्ता वो रास्ता छोड़ता गया और बाद में पीछे हमारे पास इंडस वैली आ गई वादी सिंध। तो जो इंडस वैली के मुतालिक इंफॉर्मेशन है ये भी बड़ी यूनिक सी बात है उन्होंने की। आपने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं मैथ के टॉपिक्स पे, 150 प्लस बुक्स आपने लिखी हैं मैथामेटिक्स के ऊपर, 150 प्लस।
सिर्फ मैथ्स के टॉपिक पे लिखी हैं। आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, या आपने जो उनके काम पढ़े उससे ही आपको अंदाजा हो जाएगा। और जो उनकी मोस्ट फेमस बुक है उसका नाम है तहरीरुल अमाकिन। ये जो आपकी बुक है ये वर्ल्ड फेमस बुक है, इसका बहुत सारी जुबानों में ट्रांसलेशन भी की गई। उनको दुनिया अल बेरूनी को बहुत अजीम जो है जोग्राफर और जो अस्ट्रोनमर जो है वो कंसीडर करती है। उनकी जो ये खासकर साउंड और ये वाली जो इनकी खिदमात हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। एक आम बंदा कैसे सबको मैयर कर सकता है। ये स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इनका ये डेट्स याद रखनी है, आपने ये याद रखना है कि वो किस किस फील्ड से जो थे वो अफिलिएट थे, कौन कौन सी जो थी। उसके बाद स्टूडेंट्स उनका नाम पूरा है आपकी बुक में मेंशन है, याद कर लें। मुझे लगता है कि ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि उनका नाम था बुरहानुल हक अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। बुरहानुल हक अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, तो आपने इनका नाम भी स्टूडेंट याद करना है। बाकी अगर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आता है, अगर आपको नाम नहीं याद रहता तो आप उनके काम और वो बाकी सारी चीजें लिख दें तो भी इनफ है। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। काफी इंटरेस्टिंग है, जब आप मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़े रहते हैं उनके कामों को समझ के पढ़ते हैं तो आपको बहुत खुशी होगी पढ़ते हुए कि इस यानी कि मुस्लिम साइंटिस्ट उस जमाने में तब इतने बड़े बड़े काम कर चुके हैं, हम उनका आइडिया ही नहीं था। बुक में हमने इनको पढ़ा है और इसको बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स इसको आपने याद करना है। इस और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।